आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है रबर। ये मूवी एक टायर पर बेस्ड है जो कि कई सारे लोगों का खून करता है। अब आपको लगेगा कि एक टायर कैसे खून कर सकता है लोगों का, लेकिन ये आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक अकाउंटेंट को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कई सारे दूरबीन होते हैं, और तभी वहाँ पर एक पुलिस कार आती है और उसमें से पुलिस उतरती है और कहता है कि लाइफ में हमारे जो भी चीज़ें होती हैं वो विदाउट एनी रीज़न होती हैं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे जिन्हें अकाउंटेंट दूरबीन बांट देता है। अब सभी लोग उस दूरबीन से देखने लगते हैं। दरअसल सभी लोग एक टायर को उस दूरबीन से देख रहे थे, तो अब हमें उसी टायर को दिखाया जाता है जो कि एक कबाड़ खाने जैसी जगह पर पड़ा हुआ था और अचानक से हिलने लगता है जैसे कि उसके अंदर जान आ गई हो। वो अपने ऊपर से गंदगी हटाता है और मस्ती में रोल होने लगता है और आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि उसके रास्ते में एक प्लास्टिक बॉटल आ जाती है जिसे वो क्रश कर देता है और आगे बढ़ जाता है। अब उसके सामने एक कांच की बॉटल आती है, लेकिन शायद टायर अगर उसे क्रश करता तो उसे चोट लग जाती, इसलिए वो उस बॉटल को क्रश नहीं करता बल्कि वाइब्रेट होने लगता है अचानक से। और अब हम देखते हैं कि कांच की बॉटल टूट कर अलग हो जाती है और वो टायर आगे बढ़ जाता है। इससे हमें समझ में आता है कि टायर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी था। अब हम देखते हैं कि उसके रास्ते में एक स्टील की कैन आती है जिसे वो बीच से अलग कर देता है और आगे बढ़ जाता है। अब रात हो चुकी थी इसलिए वो टायर एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है और आराम करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो टायर उठता है तो फिर से अपनी जर्नी की ओर निकल जाता है। हम देखते हैं कि जो लोग उस टायर को देख रहे थे वो सो चुके थे, और तभी वहाँ पर अकाउंटेंट आता है और लोगों के सारे पैसे और कीमती चीज़ों को चुरा लेता है और उसके बाद उन्हें जगा देता है। लेकिन लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अपनी चीज़ों से और वो फिर से उसी टायर को देखने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर शायद टायर को प्यास लग जाती है। हम देखते हैं कि एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था और वो खुद को गीला करता है और सामने एक खरगोश आ जाता है। उस टायर को शायद खरगोश नहीं पसंद आ रहा था इसलिए वो फिर से वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते उस खरगोश के परखच्चे उड़ा देता है। अब टायर एक हाईवे पर पहुँच चुका था और शायद उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी इसलिए वो अब इंसान को अपना शिकार बनाना चाहता था। हम देखते हैं कि हाईवे पर एक लड़की अपनी कार से जा रही थी और टायर उसे देखता है और वाइब्रेट होने लगता है। तभी उस लड़की की कार का इंजन खराब हो जाता है और उसकी कार रुक जाती है। टायर बस उसे मारने के लिए जा ही रहा था कि एक मिनी ट्रक आ जाता है और उस टायर को उड़ा देता है। शायद इस बार टायर की किस्मत अच्छी नहीं थी और उस लड़की की किस्मत ज़्यादा ही अच्छी थी, इसलिए वो बच जाती है। क्योंकि टायर गिर जाता है तो उसका कंट्रोल खो जाता है उस लड़की की कार से और उसकी कार चल पड़ती है और लड़की वहीं से चली जाती है। तभी टायर के सामने कौआ आता है और टायर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इसलिए वो उस कौए को भी मार डालता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वही आदमी जिसने कि उस टायर को उड़ाया था, वो एक पेट्रोल पंप में था और अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरता है। तभी हम देखते हैं कि टायर भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस आदमी से बदला लेना चाहता था। वो आदमी उस टायर को देखता है लेकिन इग्नोर कर देता है। अब हम देखते हैं कि टायर गुस्से में वाइब्रेट होता है और उस आदमी के सर के परखच्चे उड़ जाते हैं। इससे हम टायर की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। अब वो टायर रोल होते हुए जाने लगता है। वो उसी लड़की के पीछे जाता है जिसको वो मारना चाहता था हाईवे पर। अब हम देखते हैं कि उस लड़की की गाड़ी एक होटल के बाहर खड़ी थी, जिसे देखकर टायर समझ जाता है कि ये वही लड़की की गाड़ी है। और अब हम देखते हैं कि वो होटल के रूम के अंदर जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। वो उसे नहाते हुए देखता है। हम देखते हैं कि उस लड़की को वो लोग भी देख पा रहे थे जो कि उस टायर को देख रहे थे। अब रात हो जाती है और वो लड़की अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो आज रात होटल में ही रुकने वाली है। ये सब कुछ टायर सुनता है और अब हम देखते हैं कि टायर भी एक रूम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर टीवी ऑन करके टीवी देखने लगता है। वो कम से कम 12 घंटे टीवी देखता है। अब हम देखते हैं कि जो लोग इस टायर पे नज़र गड़ाए हुए थे उन्होंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। और अब हम देखते हैं कि अकाउंटेंट रेडी होता है और एक ऑस्ट्रिच का मीट लेकर उनके लिए आता है। अकाउंटेंट किसी से बात भी करता है कि आप अपसेट मत हो, काम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अकाउंटेंट लोगों के पास पहुंच जाता है
और लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे, वो ऑस्ट्रिच का मीट उन्हें दे देता है और लोग जानवरों की तरह उसे खाने लगते हैं। लेकिन एक आदमी था जिसने उस मीट को नहीं खाया था, वो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था, वो लगातार टायर को ही देखे जा रहा था। अब हम देखते हैं कि होटल रूम के बाहर एक सर्विस गर्ल आती है और डोर को नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो अंदर चली जाती है और देखती है कि बेड पर टायर के मार्क्स हैं और अंदर से शार लेने की भी आवाज़ आती है। तो वो कहती है कि अगर आप बिज़ी हैं तो मैं बाद में आऊँ, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो अंदर जाकर चेक करती है और जैसे ही वो पर्दा हटाती है तो उसे एक टायर दिखता है नहाते हुए, और वो गुस्से में उस टायर को बाहर फेंक देती है क्योंकि उसने रूम को गंदा कर दिया था। इस बात से टायर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वापस अंदर जाता है और उस सर्विस गर्ल को मार डालता है। अब हम देखते हैं कि वो फिर से टीवी देखने लगता है, लेकिन टायर को अंदर जाते हुए होटल के मालिक के बेटे ने देख लिया था। अब वो जाकर अपने पिता को बताता है, लेकिन उसका यकीन वो नहीं करता और उसे वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जिनका पेट दर्द हो रहा था, लेकिन वो व्हीलचेयर वाला आदमी बिल्कुल ठीक ठाक था क्योंकि उसे पता था कि ऑस्ट्रिच में जहर है, इसलिए उसने ऑस्ट्रिच को नहीं खाया था। बाकी के लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो व्हीलचेयर वाला आदमी जिंदा बच जाता है। अब हम देखते हैं कि होटल में पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं उस रूम अटेंडेंट की मौत के। तभी हम देखते हैं कि पुलिस कहता है अपनी टीम से कि हमें किलर को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा क्योंकि उसने कई सारे लोगों का खून किया है। अब हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी का अलार्म बजता है और इसी पर पुलिस कहता है कि खेल अब ख़त्म करो। तभी सभी लोग शॉक्ड होने लगते हैं कि लोग मर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि ये सब गेम है। पुलिस ऑफिसर चैट कहता है कि तुम मुझे गोली मारो, देखना मैं नहीं मरूंगा, और जब उसे गोली मारते हैं तो एग्जैक्टली वैसा ही होता है, उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो गोलियां नकली थी। अब हम देखते हैं कि वो अकाउंटेंट पुलिस ऑफिसर के पास आता है और वो कहता है कि अभी भी एक आदमी जिंदा बच चुका है, व्हीलचेयर वाला। तभी हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर कोई बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है और उस होटल के मालिक के पास जाकर बैठ जाता है और बातें करने लगता है। तभी वो टायर भी वहाँ पर आ जाता है और वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते मालिक का सर फट जाता है। तभी चैट को यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सच है, कोई गेम नहीं है। तभी इंस्पेक्टर शेड अपनी टीम के पास जाता है और वो कहता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि वही टायर है और उस टायर में कई सारी शक्तियाँ होंगी, उसे हमें जल्दी पकड़ना होगा वरना वो कई सारे लोगों को मार डालेगा। तभी हम देखते हैं कि होटल के रूम के मालिक का बेटा वहीं पर आता है और वो बताता है कि टायर उस तरफ है। सभी लोग अब उसी तरफ जाने लगते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अकाउंटेंट उसी व्हीलचेयर वाले आदमी के पास जाता है और कहता है तुमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ। वो व्हीलचेयर वाला आदमी उससे कहता है कि टायर अभी भी आगे ही बढ़ रहा है और वो उसे दूरबीन देखकर उसमें से देखने के लिए कहता है। जब अकाउंटेंट दूरबीन से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि टायर अब हाईवे पर पहुँच चुका है और पुलिस की गाड़ी उसी के पीछे है। तभी अचानक से टायर रुक जाता है और फिर से वाइब्रेट होने लगता है और उस गाड़ी के अंदर एक ऑफिसर का सर उड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अकाउंटेंट अपना लाया हुआ खाना खाने लगता है और उसका पेट दर्द होने लगता है और वो मर जाता है। दरअसल उस खाने में भी जहर होता है, लेकिन अकाउंटेंट को नहीं पता था और उस व्हीलचेयर वाले आदमी को पता था, इसलिए उसने नहीं खाया था। अब वो टायर फिर से आगे बढ़ता जाता है और एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर पुराने टायर्स को जलाया जा रहा था और टायर को ये पसंद नहीं आता और उसके आगे का सीन हमें नहीं दिखाया जाता कि उन लोगों के साथ क्या होता है, वो लोग भी शायद मारे जाते हैं। अब हमें 3 दिन बाद के सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ लाशें ही लाशें थी जिनका सर फटा हुआ था और पुलिस ऑफिसर्स उसी टायर को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी एक दिन उन्हें वो टायर मिल ही जाता है जो एक घर के अंदर टीवी देख रहा था। उस घर के बाहर शेड और एक होटल की लड़की वैन में बैठे हुए थे और उस टायर के लिए एक ट्रैप सेट करते हैं। वो लोग एक स्टैचू को रख देते हैं जिस पर स्पीकर और बॉम्ब लगा हुआ था और जब वो लड़की बोलती है तो उस स्पीकर से आवाज़ आती है जिसे सुनकर टायर बाहर आ जाता है। तभी वैन के पास वो व्हीलचेयर वाला आदमी भी आ जाता है और बहुत तेज़ से उससे बोलता है कि क्या तुम एक टायर को भी पकड़ नहीं सकते, ये तो बहुत आसान काम है। और ये बात टायर सुन लेता है और वापस रूम के अंदर चला जाता है, जिस पर शेड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में रूम के अंदर जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसके हाथ में फटा हुआ टायर था, मतलब कि उसने गोली से उसे मार डाला था। अब हम देखते हैं कि उस टायर को वो व्हीलचेयर वाले आदमी को दे देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। तभी उस घर के अंदर से एक साइकिल बाहर आती है और वो व्हीलचेयर वाला आदमी बोलता है कि टायर अभी भी मरा नहीं है, उसने अपना भेष बदल लिया है। तभी वो साइकिल वाइब्रेट होने लगती है और उस व्हीलचेयर वाले आदमी का सर उड़ा देती है।
इस बार टायर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था और अब हम देखते हैं कि वो हाईवे की तरफ निकल जाता है। वो टायर सड़क के किनारे पड़े सभी पुराने फटे टायर्स को जान डाल देता था और उन्हें ज़िंदा कर देता था। अब उसकी आर्मी बहुत बड़ी हो चुकी थी और वो उनके साथ न्यूयॉर्क सिटी में एंटर कर जाता है। अब आपको लगेगा कि एक टायर के अंदर इतनी सारी पावर कहाँ से आई, तो उस टायर का नाम था रॉबर्ट। दरअसल कुछ साल पहले चैड और एक अकाउंटेंट ने मिलकर एक आदमी को मार डाला था और टायर से उसका गला घोट दिया था, जिसकी वजह से उस आदमी की सोल उस टायर के अंदर आ गई थी और वो अपना बदला लेने के लिए सबको मार रहा था। अब वो टायर अपनी आर्मी के साथ मिलकर पूरे शहर को तबाह कर देगा और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको वहां पर भी मिलती रहे। थैंक यू।